खबरों की ओर। रायपुर में आयकर विभाग ने महापौर एजाज ढेबर, रेरा चेयरमैन विवेक ढांग और सहित कई रसूखदारों के करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आईटी की बड़ी टीम शामिल है। अचानक छापामार कार्रवाई से राजनीतिक और कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के पहले अधिकारी और को सर्विलांस पर रखा हुआ था। कई दिनों से जुटाए इनपुट के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। सूत्र बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर केंद्रीय इनकम टैक्स ने यह छापा मारा है। बताया जा रहा है कि फंडिंग को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस छापे के दौरान स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया और सीआरपीएफ के 200 से अधिक जवानों को इस कार्रवाई में शामिल किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 962 लोगों की सूची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयार की है जो हाई रिस्क में है। इसमें से 264 नाम छत्तीसगढ़ के हैं। यह वह नाम है जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में बड़े ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट किए लेकिन इसके बाद भी अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा था कि पूरी सूची उन्होंने अपने फील्ड अधिकारियों को दे दी है। जिन लोगों का नाम सूची में है उनके खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे टैक्स वसूला जाएगा। में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। महापौर एजाज ढेबर के साथ साथ कई कारोबारियों के यहाँ छापे मार कार्रवाई की गई है और अभी भी जो आयकर विभाग की टीम है वो सभी लोगों के यहाँ जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की भी जांच वहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्य सचिव और तमान में रेरा के अध्यक्ष विवेक धान के यहाँ भी छापे मार कार्रवाई की गई है। 5 से 6 जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो अंदर अभी पर मौजूद है और कुछ देर पहले जब यहाँ पर तमाम मीडियाकर्मी पहुंचे तब यहाँ पर लोकल पुलिस की सहायता ली गई और सभी को बाहर किया गया। इस पूरी कार्रवाई में जो सेंट्रल फोर्स है सीआरपीएफ उनकी सहायता ली गई है और इस कार्रवाई का राज्य आयकर विभाग जा रहा है वो पॉलिटिकल फंडिंग का है। और 12 फरवरी को जब प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ए के चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था 264 लोगों की सूची हमारे पास है जो हाई रिस्क पर है यानी जिन्होंने बड़ा ट्रांजेक्शन और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और जिन लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है उनके आपस में कारोबारी कनेक्शन है और उसी को यहाँ पर आधार बनाकर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। देखिए पिछली सरकार में जो सीएस रहे हैं, पिछली सरकार में जो अनिल सुतेजा जी, जो पिछले सरकार में जो दारू किंग भाटिया जी, जो पिछले सरकार को इर्द गिर्द घूमते थे उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो अगर हमारे महापौर के यहाँ भी छापे पड़े हैं तो आयकर विभाग का प्रक्रिया है। देखिए आगे हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। रायपुर और बिलासपुर